आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर सुकुमार सेन की। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त काम इन्होंने किया था। पहली बार जब भारत में इलेक्शन हुए थे 1951 1952 में, 1952 के इलेक्शन को इन्होंने बहुत ही अच्छे से कंडक्ट कराया था। उसके बाद फिर 1957 के इलेक्शन हुए दोस्तों, अगर ये ना होते तो भारत में इलेक्शन ही नहीं हो पाता, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी फेल हो जाती। सुकुमार सेन जो बहुत ही लो प्रोफाइल रहे हैं पूरी जिंदगी भर, इनके ऊपर कोई भी बायोग्राफी नहीं लिखी गई, इनके इन पे ज्यादा बात नहीं होती दोस्तों, तो मेरे लिए भी इनके ऊपर कोई बुक नहीं लिखी गई है। मेरे लिए बड़ा मुश्किल टास्क था क्योंकि डेटा मैं बड़ी मुश्किल से जुटा पाया हूं, कहां कहां मैंने सर्च किया, कहीं पे भी इनकी बात नहीं होती, बस यही लिखा है हाँ पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन फिर भी हम आज ट्रिब्यूट देंगे सुकुमार सेन को। भैया रामचंद्र गुहा ने तो उनकी किताब जब मैंने पढ़ी थी उसमें तो लिखा है बिगेस्ट गैम्बल ऑफ हिस्ट्री, जो पूरा चैप्टर है इंडियन इलेक्शन पे, उसमें लिखा है फर्स्ट इलेक्शन पे अनसंग हीरो है, अनसंग हीरो। तो सुकुमार सेन अनसंग हीरो की आज हम बात करेंगे, देखेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिड अंडरस्कोर रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। हमने हर एग्जाम्स को कवर किया है दोस्तों, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। हाल ही में यूजीसी नेट कॉमर्स का हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ये कोर्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। साथ ही साथ सारे कोर्स हैं, होली तक तो डिस्काउंट भी चल रहा है, 60% होली सेल चालू है, तो जरूर अवेल करिए कोर्सेज को। कौन है सुकुमार सेन बताना दस्तूर है, पहले इलेक्शन कमिश्नर है दोस्तों, फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया 1950 से लेकर 1958 तक, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत का जो संविधान है आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949 1949 में इसको एडॉप्ट किया गया और 26 जनवरी 1950 में इसको लागू किया गया। हमारा रिपब्लिक डे भैया उसी पे ही मनाते हैं, ठीक है, तो वो तो किसी को डाउट है नहीं। तो यहां पे दोस्तों इनिशियली 395, अभी भी 395 आर्टिकल हैं, ओरिजिनल जो 395 आर्टिकल है, बाद में बहुत सारे आर्टिकल जोड़े गए हैं, तो फिलहाल 395 आर्टिकल हैं दोस्तों। जब ये कानून बना था 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल्स 22 पार्ट में था, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें एक प्रावधान है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन। तो दोस्तों भारत में इलेक्शन हो, अच्छे से इलेक्शन हो, ऑनेस्ट इलेक्शन हो, उसके लिए एक पूरा प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 324, इलेक्शन कमिश्नर उसका हेड होता है। ये दोस्तों 1950 में जब कानून बना तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि किस तरीके से क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाए, सारे सब कुछ इसमें इंक्लूड करना था, तो यहां पे इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी प्रावधान है। तो इलेक्शन कमिश्नर क्या करता है, इलेक्शन को कंडक्ट कराता है और एकदम फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ये देखा जाता है। हाल ही में दोस्तों आपने देखा ही है कि कितना ज्यादा बेबुनियाद बात है कि ईवीएम पूरी गड़बड़ी है, ईवीएम में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, पहले बैलेट पेपर से होते थे ना, तो उसमें गड़बड़ी है और ये सब दोबारा इलेक्शन कराए जाने चाहिए और पूरा बैलेट पेपर पे हमको वापस जाना चाहिए। एक मेरा पूरा सेशन है दोस्तों आधे घंटे का, आप देख लीजिएगा कि कैन ईवीएम बी हैक्ड, उसमें मैंने बहुत टेक्निकल चीजें बताई है कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है कि नहीं। वैसे बता दूं दोस्तों ईवीएम को हैक जरूर किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा, आपको इलेक्शन कमीशन को खरीदना पड़ेगा, आपको हमारी आर्म्ड फोर्सेस को खरीदना पड़ेगा, आपको सब कुछ खरीदना पड़ेगा। अब ऐसा तो नामुमकिन, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है, कोई भी सरकार इतनी ज्यादा ताकतवर थोड़ी ना है। तो ये चीज है, चाइना में होता तो हम बात मान सकते थे और वहां पे होता भी है, ठीक है, जहां पे ये वन पार्टी डोमिनेशन है, ठीक है, जिन जिन भी देशों में वहां पे ये सब होता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है। तो इलेक्शन कमीशन बना, सुकुमार सेन पहले इलेक्शन कमिश्नर बने। जैसे ही देश आजाद हुआ, जवाहरलाल नेहरू ने सुकुमार सेन को पकड़ा, जल्दी इलेक्शन कराओ, जल्दी इलेक्शन कराओ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे इलेक्शन चाहिए। तो सुकुमार सेन ने बोला कि अरे भैया रुक जाओ, इतना ज्यादा क्या, तुम अभी सबको इंक्लूड करना, उस समय भारत की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी, ठीक है ना, तो काफी अच्छी खासी पॉपुलेशन थी दोस्तों। अब पहली बार हम इलेक्शन कराने जा रहे थे, और आपको बता दूं कि वोटिंग का अधिकार स्पेशली औरतों को वोटिंग का अधिकार अभी तक कहीं पे भी नहीं मिला था, मतलब बहुत कम देश थे, यूरोप की भी बहुत सारे देशों में वुमेन्स को वोटिंग का अधिकार नहीं था। भारत ने आजाद होने के बाद ही सबसे पहले औरतों को
वोटिंग का अधिकार दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत थी। हमने साबित करके दिखाया है कि हम डेमोक्रेसी हैं, ठीक है ना। और उसका श्रेय किसको जाता है? सुकुमार सेन को। मैंने बोला ना अनसंग हीरो, ये अनसंग हीरो जो होता है ना बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है ना। अक्सर लोग इसको बड़े हल्के में ले लेते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ड है। तो सुकुमार सेन थे भैया ये, 1950 से लेकर 1958 तक, आई एम सॉरी। तो दोस्तों ऐसा है, दो जनरल इलेक्शन उन्होंने करवाए, सबसे पहले 1951 1952, उसके बाद 1957। 1957 में तो उन्होंने 4.5 करोड़ रुपए बचा लिए थे भैया, 4.5 मिलियन, 4.5 करोड़ रुपए बचा लिए थे, क्योंकि जो 1952 में बैलेट बॉक्सेस बने थे उन्हीं का इस्तेमाल कर लिया था। तो ये जबरदस्त इंटेलेक्ट था। वैसे बता दूं, मैथमेटिशियन है भैया सुकुमार सेन, मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट। अब थोड़ा इनकी अर्ली लाइफ जान लेते हैं दोस्तों, डेटा बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। 2 जनवरी 1899 में बंगाली वैद्य ब्राह्मण फैमिली में इनका जन्म होता है, ठीक है। ये एल्डेस्ट सन है सिविल सर्वेंट अक्षय कुमार सेन। अब दोस्तों ये भी सुकुमार सेन भी बंगाली है, ये भी इंडियन सिविल सर्विस इन्होंने ज्वाइन की, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, भैया प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता, वही प्रेसिडेंसी कॉलेज जहां पे बहुत बड़े बड़े लीडर जो हैं पढ़े हैं भैया। सीवी रमन भी कलकत्ता के नहीं लेकिन प्रेसिडेंसी कॉलेज से ही पढ़े थे। सुभाष चंद्र बोस पे तो उनकी किताब का मैंने रिव्यू किया है, क्या जबरदस्त उनका क्या जबरदस्त उनका करियर था दोस्तों, तो उनकी जरूर देखिएगा उनकी ऑटोबायोग्राफी को। तो ये भी प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से पढ़े और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन चले गए। लंदन यूनिवर्सिटी में इन्होंने, इनको गोल्ड मेडल मिला मैथ से, ठीक है, मैथ से, बाप रे, मैथ से गोल्ड मेडल मिलना बहुत बड़ी, मैथ्स तो वैसे बड़ी टफ होती है, ठीक है ना। तो अपनी जो पूरी पढ़ाई है, जो इनका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, इन्होंने मैथ से ही किया। और फिर 1921 में सिर्फ 22 साल की उम्र में इन्होंने इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन किया। और उसके बाद क्योंकि उस समय तो सब कुछ ब्रिटिश के अंदर था ना, और ब्रिटिश में देखिए जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो ब्रिटिशर्स को ही मिलती थी, वहां पे एक भारतीय का आना और इतनी बड़ी पोस्ट पे काम करना ये एक बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। तो अब दोस्तों भारत को आजादी मिलती है, ठीक, 1947 में भारत, वैसे तो 1935 में ही आधी आजादी तो मिली गई थी क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आ ही गया था। यहां पे भारत की पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ सकती थी, सेंट्रल में इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी, ये मत, जो स्टेट में इलेक्शन होने थे ना, प्रोविंसेस में जो इलेक्शन थे वो लड़ सकती थी, सेंट्रल में कहां लड़ती, सेंट्रल में अगर लड़ती जीतती जाहिर सी बात है जीत जाती तो ब्रिटिशर साइड में हो जाती ना, तो सेंट्रल में यहां पे इलेक्शन नहीं लड़ सकती थी। ये 1935 के जो इलेक्शन हुए थे वो प्रोविंसेस में हुए थे, लेकिन 1946 में दोस्तों जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, और वो पूरा मैंने कवर किया है सब कुछ, अब दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा, पार्टीशन ऑफ इंडिया का मेरा पूरा एक लेक्चर है दो पार्ट में, वो देख लीजिएगा। तो जब यहां पे कैबिनेट मिशन प्लान आया, उसके बाद फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने भारत के पहले, ठीक है, और उनकी पूरी कैबिनेट बनी। 1947 में देश आजाद हुआ, मजाक उड़ना शुरू हो गया कि ये क्या डेमोक्रेसी संभालेंगे, ये इनको कुछ नहीं आता है। और सबको ये पता था कि, और सबको ये यकीन भी था कहीं ना कहीं कि भारत जो है बहुत ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा, क्योंकि यहां पे पहली बात तो जितने भी रिसोर्सेज थे वो तो ब्रिटिशर ले गया था, तो भैया क्या करें। अब यहां पे सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट करवाए जाए, क्योंकि सबसे पहले तो आपको इलेक्शन कंडक्ट करवाने हैं। आपने बोला कि हम डेमोक्रेसी हैं, तो डेमोक्रेसी हवाई बात थोड़ी ना है। एक चीज आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी प्रोमिनेंट मूवमेंट हुए हैं, बाद में भले ही वो कम्युनिस्ट हो गए हैं, इवन जो यूएसएसआर में डेमोक्रेसी आई, भैया यूएसएसआर तो फर्स्ट सॉरी यूएसएसआर में जो कम्युनिज्म आया वो तो पहला कम्युनिस्ट स्टेट है ना यूएसएसआर। अगर आप बोल्शेविक पार्टी को देखें, उनके पूरे के पूरे टाइटल में जो उनका पूरा जो पार्टी का नाम है उसमें भी डेमोक्रेसी है, तो आप देख सकते हैं ना कि डेमोक्रेसी हर कोई यूज करता है, वरना पब्लिक वोट क्यों करेगी। पब्लिक वोट तभी करेगी ना जब उनको आजादी मिले, और डेमोक्रेसी में आजादी मिलती है। तो यहां पे सबसे बड़ा यही टास्क था कि भारत ने बोल तो दिया है हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन किस तरीके से वो इलेक्शन कंडक्ट करवाएगी, तो ये था। तो इसीलिए सुकुमार सेन को बुलाया गया। पहले तो ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ वेस्ट बंगाल बने, ठीक है ना, सीनियर मोस्ट रैंक होती है, सबसे बड़ी रैंक होती है कोई भी आईसीएस ऑफिसर के लिए, ठीक है।
तो यहां पे ये चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल बने, और उसके बाद फिर सबको पता ही था कि अगर ये बनते हैं पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बेस्ट होगा। वैसे भी उस समय इनका स्टेचर बहुत बड़ा था, इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, सिविल सर्वेंट थे, इनके पास सारी वो क्वालिफिकेशन थी, तो वक्त आ गया था कि इनको फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाने का। और आपको बता दूं कि उस समय जो पद्म भूषण अवार्ड्स दिए गए थे, ये अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट्स भी थे जिनको पद्म भूषण मिला था, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पे जब सुकुमार सेन को पहला इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया तो इलेक्शन करवाओ, ठीक है, प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम, 36 करोड़ लोग, कैसे सबको इंक्लूड किया जाए, औरतों को कैसे वोटिंग का अधिकार दिया जाए, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। और देखिए दोस्तों, दो बार ऑलरेडी पोस्टपोन हो चुके थे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत थी। आपको पता है कि सुकुमार सेन यहां तक उस हद तक चले गए थे कि हर किसी को वोट देना चाहिए। किसी भी डेमोक्रेसी में किसी भी नागरिक की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वोट देने का अधिकार। तो यहां पे सबसे बड़ी ताकत नागरिक के साथ पास रहनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे दोस्तों, जहां जहां पे पोलिंग बूथ्स लगाए गए थे, पहुंचना बहुत मुश्किल था। इन्होंने सड़कें बनवा दी, इन्होंने ब्रिजेस बनवा दिए ताकि लोग आ सके और आराम से वोट दे सके। तो यहां तक चले गए थे भैया सुकुमार सेन। 85% लोग पढ़ लिख नहीं सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये। अब क्या करें, 85% बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। 15% में भी जो अगर अच्छे से पढ़ सकते होंगे, वो भी बहुत अच्छे से, इसमें से आप अगर जो प्रॉपर एजुकेशन देख ले तो मुश्किल से कितना होगी, 6 या 7% ही लोगों की होगी। लेकिन 85% लोगों को तो कुछ भी नहीं आता था। अब यहां पे क्या करें, ठीक है भैया, मैथमेटिशियन थे, मैथ्स वाला, इन्होंने दिमाग लगाया, हम चुनाव चिन्ह बना देंगे, हम चुनाव चिन्ह बना देंगे, सारी प्रॉब्लम खत्म। तो वहां पे चुनाव चिन्ह का कंसेप्ट सामने आया कि हर एक पार्टी का सिंबल होगा, जहां से भी, जिस भी कंस्टिट्यूएंसी से प्रत्याशी खड़ा हो रहा है। क्योंकि दोस्तों यहां पे दो, देखिए, एक तो यहां पे सेंट्रल के इलेक्शन थे, सेंटर के इलेक्शन, ठीक है, और बाकी विधानसभा के चुनाव थे, ठीक है। तो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव, यहां पे दोनों चुनाव जो है वो कंडक्ट करवाने थे। तो ये बहुत ही ह्यूमंगस टास्क था, हरक्यूलियन टास्क था, कहते हैं ना हरक्यूलियन टास्क, बहुत ही मुश्किल था। तो यहां पे 85% लोग भैया पढ़ लिख नहीं सकते, तो अब क्या करें, चुनाव चुनाव चिन्ह बनवा दो। तो ये चीज हुई। तो यहां पे लोगों ने फिर समझा कि किसको उनको वोट देना है। अब ये कुछ आंकड़े हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि टोटल 4500 सीट थी, उसके बाद 489 लोकसभा के लिए थी, और उसके बाद बाकी रेस्ट जो थी वो असेंबलीज की थी। 56,000 प्रिसाइडिंग ऑफिसर थे और 2.5 लाख, लगभग 2.5 लाख जो है वो पोलिंग स्टेशन बने थे अक्रॉस इंडिया। 6,500 क्लर्क्स को अपॉइंट किया गया था, और ये सब सुकुमार सेन का इसके पीछे दिमाग था, आप ये भी याद रखिए। 16,500 क्लर्क्स को अपॉइंट किया गया था, 6 महीना का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। काम तो क्लर्क्स ही करेंगे ना, कि यहाँ पे कैसे क्या क्या, मतलब जो चीजें करनी है, ठीक है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन करना है सारे लोगों का। अब आपको पता ही है कि वोट ऐसे तो आप देने जा नहीं सकते ना, पूरा रजिस्ट्रेशन होता, अगर आप वोटर लिस्ट में हैं तभी तो आप वोट देंगे, ठीक है। तो ये कैसे करना है, ये सब उन्होंने किया। उसके बाद दोस्तों 20 लाख स्टील बॉक्सेस बनाए गए जिससे बैलेट बॉक्स बने, ठीक है ना। 8200 स्टील, टन्स ऑफ स्टील, इससे बैलेट बॉक्स बनाए गए, इतना ज्यादा स्टील यूज हुआ, और गोदरेज ने बनाया था, ठीक है ना। बाकी 2.5 लाख पुलिस वाले भी थे, और 28 लाख जो थे वो, 2,80,000 जो थे वो हेल्पर्स भी थे। तो इतना ज्यादा ये बड़ा टास्क था, ठीक है, लेकिन ये पूरा हुआ। सुकुमार सेन और जितनी भी इनकी पूरी टीम थी, इन्होंने कंडक्ट करवाए दोस्तों। 68 फेज में पहले इलेक्शन हुए थे, 25 अक्टूबर को जो पहला फेज था वो हिमाचल प्रदेश में था, और जो आखिरी फेज था फरवरी में, फरवरी 1952 में, 25 अक्टूबर 1951 में हमारे पहले इलेक्शन शुरू हो गए थे, ठीक है, वोटिंग जो थी हिमाचल प्रदेश से शुरू हो गई थी, और 68वां फेज जो था वो उत्तर प्रदेश में जाके खत्म हुआ था, जो कि फरवरी 1952 में था। तो 1951 से लेकर 1952 में पहला इलेक्शन जो है वो हमारा पूरा हुआ था, और यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी। आपको पता ही है 364 सीटें इलेक्शन कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी, और बहुत शाबाशी मिली थी सुकुमार सेन को दोस्तों। एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि सुकुमार सेन के लिए, कि स्पेशली नॉर्थ साइड में, कि यहां पे औरतों ने अपने नाम नहीं दिए थे, जैसे वाइफ ऑफ राम,
ठीक है, इस तरीके से उन्होंने नाम दिए थे, ठीक है, फला फला की पत्नी, उन्होंने अपने नाम नहीं दिए थे। उस समय रूढ़िवादिता दोस्तों बहुत ज्यादा थी, तो औरतें आपको पता ही है कि कितना कितना घूंघट करके उस समय सामने भी घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, तो यहां पे उन्होंने नाम भी देने से मना कर दिया था। तो यहां पे दोस्तों अच्छा खासा जो वोट परसेंटेज औरतों का वो कट गया था, ठीक है ना, 28 लाख वोट परसेंटेज जो है वो फीमेल्स का वो कट गया था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई थी। बाद में जब अगले इलेक्शन हुए थे तब सुकुमार सेन ने ये सुनिश्चित किया कि इस बार जो है वो ऐसा ना हो। आप सोच सकते होंगे दोस्तों कितना बड़ा टास्क, अभी आपको बहुत आसान लग रहा है, मैं बता रहा हूं सब कुछ हो गया है, लेकिन उस समय दोस्तों ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है ना। और दोस्तों उसके बाद फिर इन्होंने जब पहले इलेक्शन पूरे अच्छे से कंडक्ट करवाए तो पूरी दुनिया ने फिर इनको पकड़ लिया था कि भैया ये जो है सही इंसान है। सुडान इनको बुलाया गया, सुडान में भी जो फर्स्ट पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे वहां पे भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से कंडक्ट करवाया, और जो वहां का पूरा ढांचा है वो लगभग लगभग भारत से काफी कुछ मिलता जुलता है, ठीक है ना। और फिर वहां पे सुडानीज इलेक्शन कमीशन 1957 में फॉर्म हुई, तो वहां पे भी सुकुमार सेन गए और पहला इलेक्शन इन्होंने कंडक्ट करवाया। तो आप समझ सकते हैं इनका स्टेचर। नेपाल में भी ऐसे ही था, नेपाल में भी ये गए, वहां पे भी। तो दोस्तों इन्होंने बहुत कुछ किया। सेकेंड इलेक्शन जब हुआ 1957 में, तो इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए, उस समय बहुत बड़ी कीमत थी दोस्तों, आज तो कुछ भी नहीं, आज भी बड़ी कीमत है, लेकिन उस समय दोस्तों 45 मिलियन रुपए इन्होंने 4.5 करोड़ रुपए जो है बचा लिए थे, ठीक है ना, क्योंकि जो बैलेट बॉक्सेस बचे थे वो इन्होंने यहाँ पे यूज कर लिए थे। ये गजब थी। इन्होंने एक इंक यूज की थी जिसको इंडिलाइबल इंक भी बोला जाता है। वो क्या होती है, आपको पता ही कि जब आप वोट देते हैं तो एक इंक लगाई जाती है ना, ऐसा इसलिए होता है कि आप मल्टीपल वोटिंग ना कर सके। पता चला एक इंसान गया, दोबारा आया, फिर उसने वोट दे दिया, तो उसको वो 1 वीक तक रहती है, 1 हफ्ते तक रहती है, ठीक है। तो उसको यूज किया गया ताकि मल्टीपल वोटिंग ना हो सके, ठीक है ना, और अगर कोई भी इंसान है दोबारा वोट करने तो उसको पहचाना जा सके, तो उसको इंडिलाइबल इंक कहते हैं। ये भी सुकुमार सेन का ही आइडिया था, मैथ्स वाला दिमाग था भैया। हम मैं पहले ही बता चुका हूं, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोग होते हैं ना वो अलग ही होते हैं, ठीक है। तो ये चीज थी। सुकुमार सेन की जो मृत्यु है 1961 में हुई थी, ठीक है, देहांत जो है वो 1961 में हुआ था, लेकिन जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है दोस्तों वो कमाल का है। गौरी सेन से इनका विवाह हुआ था। तो सुकुमार सेन पे दोस्तों ये पूरा का पूरा लेक्चर था। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।